ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं वाला टॉपिक। जिनको देखना होगा रिकॉर्डिंग देख लेंगे। जिन लोगों का आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप देखो, हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे और कैपेसिटर में मैंने बताया था कि कैपेसिटर में अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर देते हैं तो जो कैपेसिटेंस है वो के गुना बढ़ जाता है ना। तो मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना हो तो उसमें हमें क्या भरना चाहिए? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरना चाहिए, ठीक बात। तो दो केस आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। देखिए, कैपेसिटर का पार्ट वन हो चुका है और पार्ट वन आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। यह है पार्ट सेकंड, और दो ही पार्ट में कैपेसिटर लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो आप हमारे वीडियो से पढ़ने के बाद आपके एएमयू में आए हुए कैपेसिटर के लगभग सारे सवाल हल कर लेंगे। तो धैर्य रखिए और आराम से करिए, ठीक है। अब तुम बताओ, दो केस लिया गया है। एक में क्या किया गया ना, एक कैपेसिटर है, उसको क्या किया गया ना कि बैटरी से कुछ देर तक चार्ज किया गया, फिर बैटरी हटा ली गई। और एक में लगातार बैटरी से चार्ज किया ही जा रहा है, और उसके बाद से तुमने उसमें क्या करा ना, उस कैपेसिटर में के भर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, मतलब एक के भर दिया। तो पहला केस, उसके कैपेसिटेंस में कितना चेंज होगा? तो दोनों का जो कैपेसिटेंस होगा केसी और केसी के बराबर हो जाएगा, हाँ है ना? क्योंकि तुम्हें पता है ना, वोल्टेज पे कतई वो नहीं डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, ठीक है। तो दोनों का कैपेसिटेंस सेम होगा। अब चार्ज कितना होगा? तो देखो यार, जो चार्ज होगा ना, अब तुमने तो बैटरी हटा लिया है, बैटरी लगा के हटा लिया है, तो तुम इसमें के भरो या कुछ भी भरो, चार्ज में चेंज होगा क्या? अरे तुमने बैटरी लगाया, एक कैपेसिटर था उसमें बैटरी लगाया, मान लो चार्ज आ गया क्यू इस पे। अब तुमने बोला कि सर अब चार्ज क्यू आ गया, या बैटरी हटा लो। बैटरी हटा लेने के बाद तुमने इसके अंदर एक के डाल दिया, मतलब इसको भर दिया के से, तो क्या इस के की वजह से इसका आवेश बढ़ जाएगा? घंटा बढ़ेगा, कहाँ से बढ़ जाएगा यार? बैटरी से जितना आवेश था वही, बैटरी से जितना आवेश चार्ज लिया था उतना ही चार्ज इस पे रहेगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है। तो अब तुम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर लो या कुछ भी भर लो, चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है, तो चार्ज क्या रहेगा? वही रहेगा। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर आप अभी भी बैटरी, मान लो बैटरी से लगाए थे, बैटरी से क्या किए हो, बैटरी से अभी भी कैपेसिटर को जोड़े ही हुए हो और उसमें तुमने के का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटी बढ़ने का मतलब चार्ज रखने की क्षमता बढ़ गई। तो अब चार्ज कितना हो जाएगा? के क्यू हो जाएगा। ये बात कितने लोगों को पकड़ में आया? यहाँ से नीट में लगभग बहुत बार ऑब्जेक्टिव सवाल बनाया गया है, कितने लोगों की बात समझ? देखो इसमें चार्ज, देखो तुमने एक बार क्या किया ना, मान लो तुम कैपेसिटर हो, तुम क्या हो, कैपेसिटर हो, और मान लो यहाँ पे कोई बैटरी है, तुम आके बैटरी से बोले कि भैया हमको चार्ज कर दो, तो बैटरी भैया बोले कि आओ चार्ज कर देते यार, इन्होंने तुमको क्यू चार्ज से चार्ज कर दिया, फिर बैटरी भैया से चार्ज हो गए, तुम घर पे आ गए। अब तुम घर पे आ गए हो, तुम्हारे पास क्यू चार्ज है, अब तुम सोच रहे हो कि भैया हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं, तो तुमने अपने अंदर ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ठुसवा लिया, के ठुसवा लिया। तो ये ऐसा थोड़ी ना कि के लगा देने से तुम्हारे पास और चार्ज आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा क्या? चार्ज तो इतना ही रहेगा ना, भले क्षमता बढ़ गई, क्षमता बढ़ गई, पर चार्ज जो तुम लिए हो वही रहेगा, हाँ या ना? समझ गए? और यही काम तुम ऐसा करते, यही काम तुम ऐसा करते कि तुम पहले से के ले लेते, पहले से के ले लेते, और उसके बाद अब बैटरी भैया के पास जाते और बोलते कि हमको चार्ज करिए, तो अब चार्ज जो था ना पहले से के गुना ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि के गुना क्षमता तुम्हारी बढ़ गई है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अब तो चार्ज ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि तुम्हारी क्षमता बढ़ गई है। तो इन दोनों बात में बड़ा फ़र्क है, इन दोनों बात में बड़ा फ़र्क है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, अब देखना, अब देखना, अब पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो तुम, अगर तुम बैटरी भैया से क्यू चार्ज लेके आए थे, तो चार्ज तो वही रहा, लेकिन पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल
पोटेंशियल घट जाएगा। क्यों घट जाएगा तुम ध्यान से सुनना। इनिशियल पोटेंशियल कितना था? इनिशियल पोटेंशियल वी था और कैपेसिटेंस सी था, तो सी बराबर क्या था? सी बराबर क्यू बाई भी था, हाँ या ना, या ऐसे कह लो क्यू बराबर सी भी था। तो तुम्हें पता है इस केस में क्यू इनिशियल जो होगा वो क्यू फाइनल के बराबर होगा, हाँ या ना, होगा ना। तो यानी सी भी जो रहेगा ना वो कॉन्स्टेंट रहेगा। अब तुमने अपने अंदर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भरवाया तो सी सी क्या हुआ? सी बढ़ गया, के गुना क्या हुआ? सी बढ़ गया, तो वोल्टेज क्या होगा? के गुना घट जाएगा, ठीक, हाँ या ना। तो वी डैश क्या हो जाएगा? वी बाई के हो जाएगा। अब जब भी घट गया, जब भी घट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही घट जाएगा, ई बाई के हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, बैटरी जब तक लगा रहेगा तब तक इसके सिरों के बीच का, सिरों के टर्मिनल का पोटेंशियल जो होगा बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो बैटरी क्या करेगी? इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती रहेगी। तुम इसकी कैपेसिटी बढ़ाओगे ना तो चार्ज भी बढ़ता जाएगा, चार्ज भी के गुना बढ़ जा रहा है। तो जब चार्ज भी के गुना बढ़ जा रहा है ना, तो कैपेसिटी मेंटेन रहे, पोटेंशियल मेंटेन रहेगा। और जो ई है, जब भी मेंटेन है तो ई भी मेंटेन रहेगा। तो ये दोनों बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट था, ये तुम्हें फ़र्क आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत बनता है, बहुत ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। कितने लोग को बात समझ में आ रहा है? अखिल दीप नहीं आया क्या क्लास में? अखिल दीप, बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम आलोक है या अखिल है ये बताओ पहले तुम। आलोक यार, तो तुम एडमिशन अखिल के नाम से लिए थे, हैं? कंफ्यूजन करा देते हो। चलो भैया आलोक, अब कुछ क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ, अब देखता हूँ कितने लोग ये सवाल समझे हैं, तो कितने लोग इस सवाल को कर पाएंगे, है ना। अच्छा एक चीज़ और तुम्हें समझा दूँ ना, फिर अपने को करने में मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छा केरला सिटी का एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, अगर ये तुम समझे हो ना तो केरला सिटी वाला सवाल कर लोगे। रिजवान आ गया क्या? मुझे लगा कि ये भी परेशान है, नहीं पड़ेगा अभी रात को। और भाई रिजवान कहाँ क्लास छोड़ के भाग गए थे? अरे अब तो 12 बजे नेटवर्क तो बढ़िया चलता है यार। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ युवा अपने 12 बजे ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं। ओ अच्छा, कुछ भाई कुछ लोग अपने मीटिंग की वजह से तो क्लास छोड़ के नहीं चल गए ना, ध्यान मीटिंग में होगा तो सोच, तो अब मैं इधर पकड़ा हुआ था तो फिर सोच रहे होंगे कि यार मीटिंग कैसे होगा। रुको सूर्यान से पूछता हूँ, मीटिंग तो नहीं थी ना रात को 12 बजे? अरे यार ये नेटवर्क क्या हो जाता है टीचर टेलीग्राम का, बहुत गंदा माहौल है इसका। चलो मैं कुछ क्वेश्चन उसको एक बार ना वो जाने दो, आ गया। अच्छा जो मैं यहाँ पे भेजा करूँ ना अरुण, चैनल पे डाल दिया करो, चैनल पे डाल दिया करो, क्योंकि यहाँ से तो उड़ जाएगा, 30 दिन में ही उड़ जाता है, ठीक है। आप बताओ क्वेश्चन नंबर 16, केरला सिटी का सवाल है। लक्षिता इस सवाल को कर पाओगी? कितने लोग इस सवाल को कर पाएंगे? ओह नाइस,
चलो भैया वो करा रहे हैं डायलेक्टस। ध्यान तो यही है ना, मीटिंग पे तो ध्यान नहीं है ना तुम्हारा। कैसी बात थी, हद है भाई। अच्छा अरुण मैं गलत कह रहा हूँ, ओके ओके ओके। नहीं मतलब किसी का हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम जैसे तुम्हारा है, पर आजकल आधा युवाओं का तो कुछ और ही प्रॉब्लम है। CVU and QR कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ भाई बताओ। हाँ बैटरी पहले से लगी हुई है, और बाद में जब तुमने उसमें क्या करा ना, कैपेसिटर में जब तुमने स्लैब डाला उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया अभी भी तुमने। कौन कौन सी, हाँ कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज होंगी, अभी मैंने पढ़ाया है। अब तो तुम अच्छा जी, मतलब मैंने पोल करा दे, मैं पोल करा दूं या तुम वो करोगे पहले, पोल करा दूं मैं, 30 सेकंड का पोल कराता हूं, देखता हूं कितना ऐसे ही आंसर, पोल कराता हूं। तीस सेकंड का पोल कराता हूं, ये पता चले कितने लोग का आंसर आ रहा है। नहीं उसके मुंह में छाले पड़े हैं ना, तो फिर से जितना कम बोलना रहे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो मैं जितने टॉपिक पढ़ा रहा हूँ हर टॉपिक से सवाल आते हैं, ये बात तुम केयर करते चलना। लगभग आगे गाइज, हेलो गाइज आया। चलो भैया हम करते हैं, देखो यार एक चीज़ तो पहली कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि जो सी डैश होता है ना सी इंटू के गुना हो जाता है, जब सी बढ़ा क्यू भी बढ़ता है, वो क्या हो जाता है सी इंटू क्यू इंटू के गुना हो जाता है, पोटेंशियल घट जाता है। पोटेंशियल क्या होता है, घट जाता है वो हो जाता है वी बाई के, सॉरी सॉरी पोटेंशियल घट जाता है किसमें, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट किया जाए तो, लेकिन बैटरी तो कनेक्टेड है ना तो वी कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा यू बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर, सास हाफ सी वी स्क्वायर, तो सी बढ़ा तो यू बढ़ गया, सी बढ़ गया तो यू बढ़ गया, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, लो क्यू कितना हो गया के क्यू गुना हो गया ना, तो क्यू इंटू के का स्क्वायर अपॉन टू सी के सी हो गया, तो के से के कट गया ऊपर तो के बचा ना, के गुना अपन टू सी, तो बढ़ा तो इस केस में भी बढ़ा, तो क्यू एंड क्यू बस। डायलेक्टस आलोक एसी रिजवान, हाँ लक्षिता तुमने गलत आंसर क्यों दिया, ए आंसर लक्षिता। अच्छा अब समझ में आया, क्या समझ में आया बताओ, यू यू क्यों बढ़ा, यू क्यों बढ़ा बताओ भाई, यू बढ़ा, यू बढ़ेगा या घटेगा। अच्छा लक्षिता सारा क्वेश्चन बताएगी, लक्षिता बताओ सी बढ़ेगा कि घटेगा, ये वाला केस है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया गया है, बैटरी इज कनेक्टेड, कितना गुना हो जाएगा के सी हो जाएगा, अब बताओ वी बढ़ेगा कि घटेगा,
क्यों? हाँ क्योंकि बैटरी लगा हुआ है, अगर बैटरी नहीं लगता ना तो वी वी बाई के गुना हो जाता, लेकिन बैटरी लगा है तो वी, बैटरी लगा है तो बैटरी का टर्मिनल ही किसका टर्मिनल होगा? कैपेसिटर का टर्मिनल होगा, तो एक कांस्टेंट रहेगा। आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? क्यों? अरे कांस्टेंट ना, जब भी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि वी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपन डी, एप्सिलॉन मल्टीपल मल्टीप्लाई बाई डी, सॉरी ई मल्टीप्लाई बाई डी, वी बराबर यही होता है ना। अबे वी बराबर ई इंटू डी होता है, यहाँ भी सिखाया तो था, इतना प्यार से सिखाया था, वी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है अगर बैटरी जुड़ा हुआ है तो, क्यों कांस्टेंट है, सारा कुछ इतने प्यार से सिखाया फिर भी तुम लोग। अच्छा चलो अगला जरा बताना। हाँ अगला ई हो गया, सी हो गया, क्यू क्यू बढ़ेगा कि घटेगा? अबे यार क्यों देवी देवी क्यों क्यों कैसे कांस्टेंट रहेगा? इधर देखो यार, देखो जो तुम पहले से जानती हो ठीक है, जो नहीं जानती हो मैं मुझसे सीख लो। देखो देखो सी बढ़ गया ना, सी बढ़ गया मतलब इसके अंदर चार्ज रखने की क्षमता बढ़ गई, जब क्षमता बढ़ गई तो ये बैटरी और चार्ज देगा ना, बैटरी लगा हुआ है तो और चार्ज देगा तो क्यों बढ़ जाएगा, अगर बैटरी नहीं लगा होता तो क्यों कांस्टेंट रहता? देखो ध्यान से, बैटरी यहाँ पे रिमूव किया गया है, बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, इन दोनों केस में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा ताकि बच्चे को कन्फ्यूज़न ना रहे, एक एक बातें एक्सप्लेन कर दी प्यार से। नहीं अभी भी कन्फ्यूज़न है लक्षिता? अच्छा एनर्जी, देखो एनर्जी कब घट जाएगी, जब बैटरी रिमूव कर दिया जाएगा, समझ में आ रहा है? यहाँ पे इन्होंने ई मल्टीप्लाई किया। और देखो इफ अगर कभी ऐसा दिया ना कि मान लो ऐसा नहीं दिया है कि बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, तो हम मान लेंगे कि बैटरी, आज खुद से जूम कर लेंगे कि बैटरी डिसकनेक्टेड वाला केस है, अगर उसने मेंशन नहीं किया है कि बैटरी लगा ही हुआ है या बैटरी हटा लिया गया है, अगर उसने कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम मान लेंगे कि बैटरी हटा लिया गया है, ठीक है? हाँ या ना? ठीक, अब ये टॉपिक है ना, ये हॉटस्पॉट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार दबा के देते हैं सब। अब फार्मूला, बस फार्मूला याद रहे ना तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें इस फार्मूले में, क्वेश्चन में, इस फार्मूले में ये बताया गया कि देखो अगर फुली फुली अगर तुमने क्या किया ना, एक कैपेसिटर है इसको तुमने फुली भर दिया ना के पराविद्युतांक से फुली भर दिया, तो कैपेसिटेंस कुछ नहीं होता है, कैपेसिटेंस हो जाता है एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, याद है? अगर फुली भरा है तो, लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन में तुम्हें फंसाने के लिए बोलेगा ना कि भैया ये फुली नहीं भरा है, पार्शियली भरा गया है, मतलब एक टी मोटाई का स्लैब डाल के भर दिया गया है, टी मोटाई का स्लैब डाल के भर दिया गया है, एक टी मोटाई का एक स्लैब है जिसका परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो अब बताइए कि कैपेसिटेंस क्या होगा? तो देखो इसको करने का तरीका यही है, एप्सिलॉन नॉट ए, ये तो ठीक है, ये तो ऊपर रहेगा ही, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, अब डी में से काम करना ना, टी घटा लेना और प्लस टी बाई के जोड़ देना, बस हो गया। बीच में थिकनेस, देखो ए वाली क्या है, ए वाली थिकनेस है ना, डी माइनस टी क्या है, खाली जगह है, और ये टी बाई क्या है, के क्या है, टी बाई के क्या है, टी टी भरी जगह है, देखो डी माइनस टी खाली जगह प्लस भरी जगह अपन परावैद्युतांक, ध्यान से समझो प्यार से, एक बार फिर से बता रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन। इसमें क्या किया गया, दिस इज अ स्लैब, आपने एक टी मोटाई का क्या करा है, स्लैब यहां डाल दिया है, और जिसका परावैद्युतांक है के, ये तुम्हारा कैपेसिटर। तो देखो जितना भरा हुआ है, जितना भरा हुआ है वो तो टी है, तो और बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो
तो खाली स्थान कितना बचा, खाली स्थान कितना बचा, डी माइनस टी खाली स्थान बचा ना। तो ऐसे लिखेंगे, देखो एप्साइलन नॉट ए तो होता ही है अपान डी, अपान डी, डी मतलब दूरी। तो हम दो दो तरीके की यहाँ दूरी हैं, कितने तरीके की दूरियाँ हैं, एक खाली दूरी है खाली डिस्टेंस और प्लस भारी डिस्टेंस है ना। तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट ए, खाली डिस्टेंस क्या है डी माइनस टी है प्लस भारी डिस्टेंस टी है, लेकिन उसका परावैद्युतांक के है। इसका परावैद्युतांक वन है तो डी माइनस टी बाई वन, इसका परावैद्युतांक के है तो डी माइनस टी बाई के हो गया। समझ में आया, ये फार्मूला याद रहेगा, ये फार्मूला याद रहेगा, हाँ या ना। मरी लिख दिया हूँ, भारी लिखना था, भारी डिस्टेंस। ये समझ में आ गया ना। तो यही वाली, इसका फायदा पता है कब होगा, इसका फायदा देखो यहाँ होगा, यहाँ यहाँ होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से। जब ना एक नहीं कई कई स्लैब डालेगा ना, तो बच्चे रटते हैं फार्मूला, अपने को रटना नहीं है। देखो यहाँ पे T1 T2 T3 तीन स्लैब डाला है, बोल रहा है कि अब बताइए कि कैपेसिटेंस क्या होगा। तो तुम बोलना कैपेसिटेंस बराबर एप्सिलॉन नॉट ए तो ऊपर रहेगा, नीचे यहाँ किस तरीके की दूरियाँ हैं, खाली दूरी है और भरी दूरी है। तो खाली दूरी क्या होगा, भरा कहाँ कहाँ पे, T1 T2 T3 में भरा है, तो खाली दूरी क्या होगा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, एक खाली दूरी हो गया अपान में वन, क्योंकि खाली दूरी में एयर भरा है तो उसका परावैद्युतांक है वन, प्लस भरी दूरी, भरी दूरी क्या है T1, तो T1 अपान इसका परावैद्युतांक प्लस T2 अपान इसका परावैद्युतांक प्लस T3 अपान इसका परावैद्युतांक। याद हो गया, कुछ याद नहीं करना है, मैं जो तरीका बता रहा हूँ वैसे याद कर लो, कभी गलत नहीं करोगे। याद हो गया, लर्न हो गया, ठीक। अब देखो अगर मान लो यहाँ आ जाए जिसमें खाली ही ना हो, तो क्या होगा, सब भरा पड़ा है ना, सब भरा पड़ा है, तो सी डैस क्या होगा, एप्सिलॉन ए तो रहा ही, भरा पड़ा है, तो भरा पड़ा में हम किससे डाउनलोड किससे वो करते हैं, डिवाइड करते हैं के से। तो इसकी दूरी T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस T4 अपान K4, ठीक है। तो ऐसे कर लो, समझ में आया गाइज। तो हो गया सी डैस, किसी को कोई डाउट यहाँ तक में। जब भी कभी स्लैब घुसाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर आधा आधा स्लैब घुसाएं तो क्या होगा, फुल स्लैब घुसाएंगे तो क्या होगा, यहाँ तक के फार्मूले में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ यार। देखो मैं बहुत ही अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मैं आगे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर फिर भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा यार। देखो मैं ऐसे ट्रिक्स बना के याद करता था अपने टाइम में, तुम भी ऐसे ट्रिक चाहो तो अपने हिसाब से बना लो, नहीं तो मेरे ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हो, तो सबका अपना मेथड होता है। तुम क्या फॉलो करते हो, तुम किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, दैट्स इट्स योर योन ओपिनियन। नहीं समझ में आ रहा, इस पे सवाल आता है, हाँ इस पे सवाल आता है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो। आप देखो अगर किसी मेटल को आप डालिएगा ना, तो मेटल का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है इनफाइनाइट। ये दो केस है जिसमें जेई में सवाल आया था। पहला, अगर आपने मेटल को डाला, 30 मोटाई के मेटल को डाला तो क्या होगा, तो अगर आपने टी मोटाई के मेटल को डाला तो आप लिखिएगा सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपान खाली, खाली कितना है डी माइनस टी, प्लस भरा कितना है डी टी बाई के। अब के इसका क्या, इन्फाइनाइट है तो ये तो जीरो हो गया, तो ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी। समझ में आया, अगर टी मोटाई का मेटल हो तो क्या होगा, उस दूरी को ही हटा देना, देखो वो वाली दूरी घट जा रही है भैया, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखा है। अरे मैंने उसको फिर से अनशेयर करा ना, वो बोला कि नहीं दिख रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है ये स्टॉप प्रेजेंटिंग करा, हम दिख रहा है ना। तो जब मेटालिक स्लैब हो, तो उसका के क्या होता है, उसका परावैद्युतांक अनंत होता है, तो उसको के को अनंत रखोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा।
अगर क्या हो, अगर क्या हो, मैं इसको इससे जोड़ दूँ, अगर मैं इसको इससे जोड़ दूँ, मतलब एक वायर से जोड़ दूँ, तो यार, या फिर किसी मेटल से ही टोटल भर दूँ, तो किसी मेटल से अगर तुम टोटल भरोगे ना, तो सी बराबर एफ साइलेंट नॉट के अपान डी हो जाएगा, के जगह इनफाइनाइट रखोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, या फिर तुम इसको इससे जोड़ दोगे ना, तो भी के बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ, तो इसका कैपेसिटेंस क्या है? अनंत हो जाएगा। तो ये बात थोड़ा सा तुम ध्यान में रखना, संज्ञान में रखना, ठीक है? ये कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है यार, ये वाली बातें, छोटी मोटी बातें कितने लोग समझ रहे हैं। अच्छा, तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। कुछ सवाल हम लोग करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया हुआ सवाल है ना। हाँ भाई बुशरा, दर्शन मिल गए आपके। हेलो बुशरा, कुछ बोल नहीं रही है लग रहा है। अच्छा, रात में पढ़ने में थोड़ा सा रिस्क होता है ना। चलो नहीं, रात में पढ़ने में रिस्क होता है ना, अभी मान लो बोलेगी तो पता नहीं इसके घर वाले कहेंगे क्या पगला रही है रतिया को। वाह वाह वाह, देखो। और कोई, और कोई? अच्छा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने लोग कह रहे हैं चार्ज? देखो इन्होंने कह दिया कौन। देखो बुशरा, लग रहा है तुमने ना इससे पहले वाली मेरा टॉपिक नहीं देखा है, अभी आई हो ना। चार्ज होगा, याद है ना, कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगा, सी सी डैश सी के हो जाएगा, पोटेंशियल घट जाएगा, वी डैश वी वाई के हो जाएगा। जब पोटेंशियल घटेगा तो इंटेंसिटी भी घट जाएगी, ई कितना हो जाएगा, ई बाई के हो जाएगा। तो चार्ज ही कौन कंजर्व रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। देखो मैंने जो पढ़ा है एग्जैक्टली मेरे नोट्स से क्वेश्चन आया, जबकि मैं सच कहूँ ना तो मैं पी वाई क्यू को देख के नोट्स नहीं बनाता हूँ। मैं अगर बताऊँ ना तो मैं कभी भी पी वाई क्यू को नहीं देखता हूँ, पर हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स में जो चीज़ ज़रूर इंक्लूड करूँगा ए एम यू को देखकर, ए एम यू को देखकर मैं नोट्स बनाता ही नहीं हूँ। हाँ, पर मुझे पता है कि मेरे नोट्स से ही ए एम यू के सवाल आने हैं। और देखो मैंने जो क्वेश्चन बताया अभी मज़े मज़े में ले रहे थे ना वो लक्षिता, देखो तो मज़े मज़े में जो सवाल तुमसे पूछ रहा था ए एम यू वालों ने एग्जैक्टली वही सवाल दिया है, एग्जैक्टली। तो मेरा क्लास करने का डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है तुम्हें। देखो चलो, हाँ अब देखो यार, अगर अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर आप सेपरेशन, व्हेन सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इन चेंजिंग, अगर आप प्लेट के बीच की दूरी घटाएं बढ़ाएं तब क्या होगा, आओ थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। अच्छा एक सवाल और था यार, अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 देखना, डीसी में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा एक और सवाल आया है ना, क्वेश्चन नंबर 19, ए वी एम यू में आया हुआ है, देखना ये उसी तरीके का है ना। पहले 19 देखो, ए एम यू हमारा मेन फोकस है ना, पहले ए एम यू वाले को देखते हैं। ये लग रहा है उसी तरीके का है जो अभी मैंने पढ़ा रहा था मैं। देखता हूँ, कितने लोग कह रहे हैं इंक्रीजेस।
इसमें इसको ना अभी, हाँ सही बोला इंक्रीजेस, इसको इसको ये वाली टॉपिक पढ़ाने के बाद बताऊंगा, ये वाली टॉपिक 20 कर लो अभी। जो नेक्स्ट टॉपिक था ना, जो बोल रहा था कि दूरी बढ़ाने से क्या होगा, वो वाला टॉपिक पढ़ाने के बाद में बता दूंगा, ठीक है? तब तुम्हें और क्लियर होगा, वहाँ पे एक्चुअली डिस्टेंस का फैक्टर आ रहा है। कोई नहीं, डीसी का कर लो, डीसी ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। ए पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता ए, इतना मोहब्बत से सिखाने के बाद भी बच्चे गलत कर रहे हैं। वाह 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 वाह, डिक्रीज, बिल्कुल डिक्रीज। देखो रिमेन सेम तब रहता है ना जब पोटेंशियल सेम रहता है। पोटेंशियल सेम रहने के लिए क्या लगना चाहिए? बैटरी लगा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बैटरी लगा रहा थोड़ी ना है, बैटरी रिमूव कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल। तो चलो भाई अभी देखो कॉन्सेप्चुअल सवाल कितने आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ना कैपेसिटर से। अब इन सवालों को वही बंदा कर पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हाँ या ना? बात समझ रहे हो ना? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपकी बैंड बजना निश्चित है, आप गलत करके आओगे। पर मैं हूं ना यार, गलत नहीं करने दूंगा, है ना? चलो अब देखो सेपरेशन वाला करते हैं। व्हेन सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट इज चेंजिंग, इफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स चेंज देन इट्स कैपेसिटेंस आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू सी प्रोपोर्शनल टू 1/d। द इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट विदर द चार्ज्ड कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी और बैटरी इज इन स्टिल कनेक्टेड। देखो डी बढ़ाने या घटाने से हमको ये बात तो निश्चित है कि जो सी है ना वो क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि डी दूरी ज़्यादा करिएगा तो कैपेसिटेंस कम और दूरी कम करिएगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा। लेकिन लेकिन और जो फैक्टर हैं, जैसे और फैक्टर यू हो गया, वी हो गया, सी हो गया, चार्ज हो गया, ये इस बात पे डिपेंड करेंगे कि बैटरी कनेक्टेड है या फिर डिसकनेक्टेड है। तो आइए जनाब देखते हैं, तो दोनों केसों को हम स्टडी करेंगे, है ना? आइए हमारे साथ स्टडी करिए मिलके। आप देखो अब क्या किया गया, बैटरी को डिसकनेक्ट किया दिया। पहले तुमने मान लो अरुण गया, खुद को चार्ज करवा लिया। अरे मान लो अरुण था, बैटरी भैया के पास गया, बोला भैया हमको चार्ज करिए, इसको क्यू चार्ज से चार्ज कर दिया। अब अरुण खुश, अभी अरुण खुश, अब मेरे पास आया, मैं बोला कि भाई अब मैं तुम्हारे बीच की दूरी बढ़ाऊंगा। मैं क्या करूंगा, बीच की दूरी बढ़ाऊंगा। मैं इस मान लो पहले इसका डी कुछ और था, अब मैंने डी जो है बढ़ा दिया, डी को इंक्रीज कर दिया। तो ये बोलेगा कि भैया आप डी इंक्रीज करेंगे ना तो कैपेसिटेंस पक्का घटेगा, बैटरी कनेक्टेड हो या डिसकनेक्टेड हो उससे मतलब नहीं है, कैपेसिटेंस तो घटना ही है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है ना वो चार्ज या वोल्टेज का मोहताज नहीं है, वो फिक्स है, बताए ना? तो इसका दोनों केस में कैपेसिटेंस घटने वाला है। अब देखो दूसरे केस में क्या होगा, चार्ज की बात करें, चार्ज वाले फैक्टर पे, तो देखो यार इसकी दूरी घटा लो या बढ़ा लो, बैटरी भैया जितना चार्ज दिए हैं चार्ज उतना ही रहेगा, ना तो चार्ज घटेगा ना तो चार्ज बढ़ेगा, हाँ या ना? अबे बोलो ना। अब देखो लेकिन अगर बैटरी भैया लगे रहते हैं तो क्या होता, अगर बैटरी भैया लगे रहते हैं तो बैटरी भैया औकात के हिसाब से चार्ज देते हैं, है कि नहीं? अब जब तुमने इसके डिस्टेंस को बढ़ा दिया, दूर कर दिया, तो अरुण भाई की औकात पड़ गई छोटी, तो चार्ज भी मिलेगा कम। औकात ज़्यादा तो चार्ज ज़्यादा स्टोर करिए, औकात कम तो चार्ज कम स्टोर करिए, ठीक? बात समझ में आ रहा है? तो बैटरी भैया देखे कि औकात कम हो गया है तो औकात के हिसाब से चार्ज देना है, तो पहले इनको 20 कूलाम चार्ज मिलता था तो अब कितना कूलाम मिलेगा, 15 ही कूलाम मिलेगा, है कि नहीं? अरे जब स्टोर ही नहीं कर पाएंगे उतना तो कहाँ उतना चार्ज दे के वेस्ट करना है, तो चार्ज हो जाएगा कम अगर बैटरी लगा रहे तो। तीसरा केस देखो, आप दूरी घटाइए या बढ़ाइए, जब तक बैटरी रहेगा तब तक टर्मिनल का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे तो बैटरी का पोटेंशियल मेंटेन रहेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा,
यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ इंक्रीज हो गया? क्योंकि तुम्हें पता है क्यू बराबर होता है सी वी, ये तो कांस्टेंट है सी। अब ये जब ये कांस्टेंट है तो वी बराबर क्या हो जाएगा? वी प्रोपोर्शनल टू 12 बाई सी। कैपेसिटेंस घट गया तो दूरी बढ़ गया, और कैपेसिटेंस घट गया तो वोल्टेज बढ़ गया, और कैपेसिटेंस बढ़ गया तो वोल्टेज घट गया। तो तुमने अरुण के दूरी को बढ़ा दिया, मतलब कैपेसिटेंस के दूरी को बढ़ा दिया, प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ाया तो कैपेसिटेंस घटा, कैपेसिटेंस घटने का मतलब वोल्टेज बढ़ा। तो कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बल्ले बल्ले, तीनों बात क्लियर है? कितने लोग को ये सारी बातें क्लियर है? अब करो एएमयू वाला सवाल, माशाल्लाह गलती नहीं हो सकती तुमसे। चलो एएमयू वाला सवाल करो, इंशाल्लाह सही होगी। हेलो डायलेक्टर्स, हाँ हे इनक्रीज, इजीली समझ में आ गया ना? बैटरी हटा दिया है, जब बैटरी जब हटा दिया गया तो वोल्टेज क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस घट गया। तो ये केस तुम्हें आने चाहिए इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 21। देखो ऐसे सवाल को ना, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता और सिर्फ तुम फार्मूला रट के करना चाहते तो एग्ज़ाम में सवाल तुम बिल्कुल गलत करके आते। तुम्हें बात फील हो रहा है? देखो फंस गए भाई, फंस गए। अरे बाकी और लोगों को करने दो ना यार, ठीक है तुमने आंसर अपना बता दिया, बाकी लोग भी तो करके कुछ बोले हैं। अरे नहीं, ठीक है ना, समझ में आया? कुछ नई चीज़ सीखने को मिली, बहुत बढ़िया। डायलेक्टर्स वो तो बोलेगी नहीं, अभी तो उसके मुंह में छाले पड़े हैं ना। ओके ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम लोग काफ़ी इंजॉय करे होगे समझ के कि हाँ सर हमको बहुत बढ़िया चीज़ समझ में आई, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखो वी इंक्रीज हो गया तो ई क्या होगा? अब ई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दूरी बढ़ाने से प्लेट के बीचों में ओ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, क्योंकि प्लेट की वजह से सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक बात। लेकिन अगर बैटरी लगी रहेगी तो फिर तो गड़बड़ होगा, फिर तब तो गड़बड़ होगा, क्योंकि क्यू पे डिपेंड करने लगेगा। बैटरी लगी रहेगी तो ई क्यू उस पर डिपेंड करेगा, क्यू पे डिपेंड करेगा, क्यू घट गया तो ई घट गया। समझ में आ रहा है? अरे भी वाला समझ में आ गया ना? भी समझ में आ गया ना? हाँ ई इज इक्वल टू वी डी होता है ना? सही बात बोलो। तो तुम देखो, जब तुम डी बढ़ा रहे हो तो वी वी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हाँ ई भी बढ़ना चाहिए, बात तुम्हारी सही है। लेकिन थोड़ा सा एक बात और देख लेना, यहाँ पे जो एक ध्यान सुनना, इसके वजह से पैरेलल प्लेट की वजह से, पैरेलल कंडक्टर वेट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट होगा ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ मैं समझ रहा हूँ कंट्राडिक्शन हो रहा है, बिल्कुल कंट्राडिक्शन हो रहा है, पर इसका मेन फार्मूला ये है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है, मैं इस बात से इनकार नहीं कह रहा, लेकिन मेन फार्मूला ये है, मेन फार्मूला से देखेंगे। अब यहाँ पे ई क्या होगा? ई बराबर क्या होगा? क्यू अपान ए इंटू एप्साइलन, ई की वैल्यू यही होता है ना, ई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब क्यू क्या हो गया? क्यू डिक्रीज हो गया। अरे क्यू डिक्रीज हो गया ना, जब कैपेसिटी घट गई तो क्यू डिक्रीज हो गया, जब क्यू डिक्रीज हो गया तो ई भी डिक्रीज हो गया। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना, इस हिसाब से यहाँ पे ई कॉन्स्टेंट होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल मेंटेन है। अरे पोटेंशियल मेंटेन है ना, तो ई कॉन्स्टेंट होना चाहिए, पर नहीं होगा क्यों? कम होगा, सिंपल सा मसला। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेपरेशन डिक्रीज करोगे तो उल्टा होने लगेगा, ये तुम खुद से सोच सकते हो।
सेपरेशन डिक्रीज करने पर इफेक्ट उल्टा आएगा, है तुम खुद से सोच लेना, है ना। चलो अब एक सवाल यहाँ से कभी कभी बनता है, तुम्हें पता है कि इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना लाजमी है। इन दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना लाजमी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या होगा? क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इन टू ए होगा। समझ में आया? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो दूसरे पे फोर्स कितना लगेगा? दूसरे पे फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू इंटू ई, पता है ना, क्यू इंटू ई। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये जो क्यू इंटू ई है, ई की वैल्यू क्या हो गई? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या होगा? क्यू होगा सिग्मा इंटू ए, क्योंकि तुम्हें पता है सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, तो क्यू बराबर क्या होगा? सिग्मा इंटू ए, सिंपल। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? एफ की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब तुम चाहो तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए रख दो, तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो किसी भी कैपेसिटर के बीच लगने वाला फोर्स हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं याद है तो डिराइव कर लोगे ना। देखो एक प्लेट की वजह से फोर्स लग, एक प्लेट की वजह से फील्ड होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब दो प्लेट है ना, तो इसके वजह से फील्ड बाहर की तरफ, और इसकी फील्ड, इसके वजह से फील्ड अंदर की तरफ, तो ये सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट मिल के बन जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड बिटवीन कैपेसिटर क्या आता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। समझ में आ रहा है? हाँ, कितने लोगों को मेरी बातें यहाँ तक समझ में आएगी? हाँ सर, आपने जो बोला मुझे 100% समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। बुशरा डायलेक्टस लक्षिता आलोकेशी, बताओ भाई, बोलो बोलो। कैसा बीएससी और बीटेक? लेवल में डिफरेंस होता है, सिलेबस सेम होता है। जैसे इस टाइप देखो, वेटेज नहीं, वेटेज भी लगभग सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वेटेज में कोई दिक्कत नहीं है। बीएचयू का तो समझ लो सेम है, बीएचयू का तो तुम एएमयू बीटेक जो पढ़ रहे हो ना, बीएचयू बीएससी का आया है, समझ लो ऐसा। एएमयू में थोड़ा सा इंग्लिश आ जाता है ना, तो वो लोग लेवल कम कर देते हैं, लेवल कम कर देते हैं, वेटेज थोड़ा सा भी कम कर देते हैं, पर पढ़ो यार, 10+2 लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो। बीटेक हो या बीएससी के हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम बीटेक का मेरा वीडियो पढ़ रहे हो तो बीएससी डेफिनेटली हो जाएगा। अब बीएससी में ये सवाल आया था, एक बार ये सवाल आया था, ये बताओ अभी बच्चा कैसे करेगा बीएससी? एक कितना अंदर घुस के सवाल पूछा है। देखो तुमने अगर इससे पहले कैपेसिटर पढ़ा भी होगा, अगर ऊपर ऊपर, तो ऐसे सवाल तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगे। अभी बीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, ये अंदर की बात है कि नहीं है? ये बात समझ रहे हो? ये अंदर की बात है, ये वही बच्चा करेगा जो अंदर तक पढ़ा है, हाँ या ना? पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, समझ में ही नहीं आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन में पूछा था एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट के बीच एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? तो यार दो पैरेलल कैपेसिटर प्लेट, दो पैरेलल कैपेसिटर है, एक पैरेलल कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर। अब डेंसिटी निकालने के लिए वॉल्यूम से भाग दे दो, ये वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा एरिया इंटू दूरी, एरिया इंटू दूरी हो गया। अब तुम सी की वैल्यू रख देना, सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी रख देना, तो ये फार्मूला आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर रख देना। तो कई बार एनर्जी डेंसिटी पूछ चुका है, तो अपने को पता होना चाहिए, बस ये फार्मूला याद रहना, एनर्जी डेंसिटी बराबर एनर्जी अपन वॉल्यूम होता है, तो तुम निकाल लोगे, क्योंकि एनर्जी तुम्हें आता है निकालने, और वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू दूरी। खत्म, अब तुम्हारी बारी, ये तुम्हारी बारी। मैं पोल कराता हूँ, पोल कराऊँ, तुम लोग जब कहोगे तो मैं पोल स्टार्ट करवा दूंगा, इस पे पोल करवा दूंगा।
कौन क्लास छोड़ के भागा है? आलोक नहीं है, रिजवान भागा था। तुम्हारे उसमें की गोली कर जाए आए। तुम्हारे हंसने की गोली हो जाए। बस डायलेक्टस और बुशरा ने, लक्षिता ने आंसर दिया, बाकी दो लोगों ने गलत आंसर दिया। ये कौन है? एसी और आलोक। बुशरा और बुशरा और रिजवान ने तो आंसर भी नहीं दिया। वाह बच्चों, मैं रात को एक एक बजने जा रहा है और मैं रात को तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। देखो एनर्जी डेंसिटी पूछा है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी अपान वॉल्यूम। एनर्जी को लिख दो हाफ सी बी स्क्वायर, या इसको क्यू स्क्वायर बाई टू सी लिख दो। क्यू स्क्वायर बाई टू सी, सी को लिख दो एप्सिलॉन नॉट के ए अपान डी। डी ऊपर चला गया और वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डी। डी ने डी को शहीद कर दिया, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान टू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। एक लाइन का आंसर। हा, इसमें मैं करा लूं पोल, करा लूं पोल। करा दे पक्का? सारे लोग पोल के लिए तैयार हैं? डायलेक्टस बहुत अच्छा कर रही हो तुम, यू आर डूइंग वेरी वेल। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, मेरा नाम रोशन करो। गोली पार हो जाए ये सच्चे कहे चार हो जाए। ना ना ना, आंसर नहीं, छुपा के रखिए आंसर आप लोग। अच्छा मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है तुम लोग को?
मैं ज़्यादा देर तक पढ़ा रहा हूँ तो दिक्कत तो नहीं है ना, जबरदस्ती मत पढ़ना, है ना गाइस। फिर से लक्षिता और आलोकदीप ने सही आंसर दिया है, ठीक है। और एसी और डायलेक्टस गलत हैं। लक्षिता आलो और बुशरा और रिजवान, इन दोनों ने फिर से नहीं आंसर दिया है, दैट्स रॉन्ग। ये तो गलत बात है यार। देखो कितना लुल्ल सवाल है, मुझे नहीं पता था कि ऐसे लुल्ल सवाल में भी तुम लोग गलती करोगे, जिसका ट्रिक व्रिक मैं सब बता चुका हूँ, है ना। इसका प्लेट का प्लेट 2 मीटर पे सेपरेटेड था, ठीक है, तो ये 15 माइक्रो फैरेड था। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया गया है 1 mm का। 1 mm का क्या डाल दिया गया है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया गया है, इंसर्टेड बिटवीन द प्लेन। देन द न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा? तो भैया न्यू कैपेसिटेंस सी डैश जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट। देखो इनिशियल कैपेसिटेंस था क्या था? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था। नया वाला क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, खाली जगह कितना बचा? 2 माइनस 1। अरे खाली कितना बचा? 2 था 1 भर दिया गया, तो 2 माइनस 1 1 mm इंटू भरा वाला जगह, सॉरी सॉरी प्लस में भरा वाला जगह, तो A1 अपान इसका डायलेक्ट कांस्टेंट, ये हो गया 2। सिंपल। अब देखो इसकी वैल्यू अपन लोग एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू रख देते हैं सी इंटू डी, तो इसको ऊपर से रख दो सी इंटू डी, एमएम में है तो ये रख दो सी इंटू डी, सी इंटू डी को रख दो 2 mm, एमएम में है, ठीक है। अब सी क्या है? 15 माइक्रोफेरेड है ना, तो अब उसको भी मत छुपाओ, उसको उसको बोलो कि भाई अपना फेस रिवील करो, और एमएम कॉमन कर लो, A1 + 1/2 मतलब 0.5, एमएम से एमएम कट गया है ना, ये 15 × 2 / 1/2 3/2, तो 2 ऊपर चला गया, 3 से 3 कट गया, 30 आएगा, 30 माइक्रोफेरेड। मैंने कुछ गलती कर दिया है क्या गाइस? कितने लोगों ने 30 माइक्रोफेरेड मारा था? मैंने कुछ मिस्टेक करा हो तो बताओ। 30/2 मारा था, सबका 30 आया था? कितने लोग का 30 आया था? शायद किसी का नहीं आया था मेरे ख्याल से। 30 किसी ने ऑप्शन दिया? 30 में नहीं दिया किसी ने, किसी ने भी 30 में ऑप्शन? 20 आ रहा है कैसे? ओह सॉरी, ये हो जाएगा, मैंने कुछ गलती करा है क्या? ये 2 mm था ना, ये 3 mm मैं कहाँ से लिख दिया हूँ? मैंने कुछ शायद मिस्टेक करा हुआ है, देख लेता हूँ एक बार और। देखो सी बराबर, इनिशियल से चलो, सी बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए बराबर हो जाएगा सी इंटू डी, सी और डी के जगह क्या है? 2 mm, पहला बात। दूसरा जब ये लग गया तो क्या हो गया? सी डैश बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान, खाली जगह, खाली जगह क्या है? 2 - 1 प्लस भारी जगह, भारी जगह क्या है? 1 mm अपान में उसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए की जगह रख दो 2c अपान में 1 प्लस, हाँ d - t + t/k, तो क्या दिक्कत है? d - t, d कितना है? दूरी क्या है? 2 है। t कितना है? खाली जगह कितना है? सॉरी कितना भर दिए? एक भर, एक एक भर दिए, तो d - 1 1 हो गया, तो ये हो जाएगा ये 2 × 1 = 3, 4c / 3 आबे हो गया 4/3, c की जगह क्या लग दो? 15 लग दो, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 20, आंसर आप सही आ रहा है। देखो लक्षिता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर बता रही है आजकल, एनर्जी ड्रिंक पी के बैठी हो क्या जी? अच्छा पानी पियो। अब एक और सवाल इसी पे, अच्छा लग रहा है सवाल कि नहीं लग रहा है ये बताओ।
बताओ दोस्तों, अखिल। ए अखिल, अच्छा है। चलो फिर अगला सवाल। देखो तुम लोग आराम से सवाल लगाते रहो, हम आगे आगे पढ़ाते रह रहे हैं, मज़ा आएगा। ये चैप्टर ख़त्म, अगर ये चैप्टर जल्दी जितना जल्दी ख़त्म होगा ना, अपन लोग EMI उतना जल्दी स्टार्ट करेंगे। EMI स्टार्ट करने का मतलब समझ रहो ना, तुम्हारे 1 से 2 मार्क्स वहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद 12th ख़त्म, लगभग 12th ख़त्म तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे यार। और PYQ भी लगवाना है अभी। हाँ प्लानिंग तो बहुत है, क्या करें, दिन ही कम है यार। एट, वाओ नाइस। और लोग बताएं भाई। अच्छा गिवन लिख रहे हो, हो गया गाइस, किसी का आया? हेलो, पोल कराइए। पोल नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बोल दो ना। हाँ लक्षिता ने आंसर दे दिया है, और कोई डायलेक्टस? हाँ और कोई पुराना वाला फोन। ठीक है देखो यार, इस सवाल को करने में बहुत वो नहीं है। देखो, इफ अ स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इतना मीटर थिक इंट्रोड्यूस प्लेट पैरेलल कैपेसिटर, इसके अंदर इतना मोटा एक डाल दिया गया, स्लैब डाल दिया गया है, तो क्या है द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट हैज़ टू इंक्रीज, और डिस्टेंस भी इतना बढ़ा दिया गया टू रिस्टोर द कैपेसिटर टू ओरिजिनल वैल्यू, देन द इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मटेरियल सेल्फ। ठीक है देखो, मान लिया दूरी कितनी थी, दूरी कितनी थी बताओ भाई, लक्षिता बताओ, हेल्प करो अपने साथियों की। इनिशियल दूरी में क्या मान लूँ, इनिशियल इनिशियल दूरी दिया है, इनिशियल डिस्टेंस नहीं दिया है, मान लो डी दूरी था, है ना? अब हाँ डी दूरी था। अब क्या बोल रहा है ना कि इसकी दूरी को इतना मीटर बढ़ा दिया गया है, कितना मीटर बढ़ा दिया गया है, कुछ दूरी बढ़ा दिया गया है, इतना मीटर 3 × 10 की घात इतना बढ़ा दिया गया है, मतलब फलाना जो भी कह रहा है इतना बढ़ा दिया गया है, तो ये हो गया है डी प्लस 3.5 × 10⁻¹⁵ मीटर बढ़ा दिया गया है। अब बोल रहा है कि भैया हम इसमें इतना मोटा एक स्लैब डाल रहे हैं, इतना मोटा क्या डाल रहे हैं, स्लैब डाल रहे हैं, इसकी मोटाई भी दे दी है 4 × 10⁵ मीटर। अब बोल रहा है कि बताइए प्यारे कितना इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, इसके डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो कि कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज ना हो। तो बस इसका कैपेसिटेंस कितना है और बाद में कैपेसिटेंस क्या है, इन दोनों को लिखो। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, के की वैल्यू तो 1 है, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देखो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, तो C1 = C2 होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसका सी क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी बराबर इसका एप्सिलॉन नॉट ए अपान, पहले देखो खाली जगह कितना है, तो खाली है डी प्लस 3.5 × 10⁻¹, इसमें से भरा वाला घटा दो 4 × 10⁻¹, है ना, और उसके बाद से प्लस में भरा कितना है 4 × 10⁻¹ अपान, इसमें के की वैल्यू यही हमें निकालनी है, तो इससे इसको काट दो। अब इसको सॉल्व करो। अच्छा दूरी देखना एक बार दिया है क्या,
अरे देखो, फाइनल दूरी इतनी हो गई या फाइनल दूरी, हाँ या ना? तो फाइनल दूरी में से हम भरा हुआ दूरी घटा दिए, भरा हुआ वाला एरिया डिस्टेंस घटा दिए, तो इतना भरा हुआ है आप प्लस भरा हुआ अपन के, यही तो है ना, भरी वाली मोटाई अपन के, हाँ या ना? अच्छा, इसने दूरी नहीं दिया है क्या? नहीं, इतना तो दूरी इंक्रीज किया गया ना, डिस्टेंस इतना इंक्रीज कर दिया गया है। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, आओ पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, इसका हिंदी मीनिंग निकालते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ो लक्षिता, क्वेश्चन पढ़ो। तुम्हारा 8 कैसे आया बच्चा? लक्षिता, हाँ क्वेश्चन पढ़ो। ओके ओके, अच्छा देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है ना कि अगर अगर आप इसमें एक मटेरियल, के वाली मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे, घुसाएंगे, तो इसकी दूरी कितनी से इंक्रीज करनी पड़ेगी, इतने मीटर से इंक्रीज करना पड़ जाएगा अगर आप रिस्टोर करना चाह रहे हो ओरिजिनल वैल्यू को, हाँ या ना? ठीक है, तो इस, लेकिन इसमें डी नहीं दिया है लक्षित, तो तुम्हारा आंसर कैसे आया बेटा? लक्षिता, हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या क्वेश्चन को समझने में? हाँ, बोलो बोलो लक्षिता डायलेक्टस, हाँ बोलो, हाँ देखो हमारी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, हाँ अंग्रेजी हमारी कमजोर है, बताओ क्या कहना चाह रहे हो, कंफर्म कर गया थे? हाँ भाई, जिन लोग के आंसर आए थे वो लोग राय दे, जल्दी जल्दी दो यार, डायलेक्टर्स कौन कौन है? टीन टू वन माइनस वन बाई के, टी माइनस टी बाई क्यों, क्यों मतलब ये क्यों, नहीं तो मतलब ऐसे क्यों, डी माइनस टी प्लस टी बाई के होता है ना, किसकी वैल्यू? ये तो बात, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट हैज टू इंक्रीज्ड बाई, इतना इंक्रीज कर रहे हैं रिस्टोर करने के लिए ओरिजिनल वैल्यू को, ओरिजिनल वैल्यू को रिस्टोर करने के लिए इतना इंक्रीज करना पड़ रहा है। हाँ, हाँ, तो इतना से ही तो बढ़ाया गया है ना, इतना से ही तो बढ़ाया गया है डी प्लस, हाँ ठीक है, इतना से बढ़ा दिया गया, तो सी वन बराबर क्या हो जाएगा, सी वन बराबर सी टू हो जाएगा, तो इनिशियल में क्या था, इनिशियल में ऐसा था एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी था, फाइनल कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी प्लस 3 प्लस 3.5, हाँ, ये माइनस नहीं करूँगा, अरे खाली देखो खाली दूरी कितनी है, ये टोटल माइनस मोटाई, टोटल माइनस मोटाई प्लस मोटाई बाई के, ऐसे ही पढ़े थे ना,
लक्षिता तुमने टी टी कॉमा वन प्लस वन बाई के क्यों करा है ज़रा बताना, मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या। हाँ तुम लोग करो यार, इस पे कुछ अपना अपना राय दो। हाँ, भरी हुई जगह क्या है। हाँ नहीं, उन्हें स्लैब नहीं, इनिशियल में स्लैब नहीं डाला गया है, इनिशियल में सी था, इनिशियल में सी था। अब तुम बताओ, अब क्वेश्चन बोल रहा है ना कि अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अब इनिशियल में सी था, कुछ नहीं था, अब इसमें एक स्लैब डाला गया है, स्लैब डाला गया है तो क्या होगा, स्लैब डाला गया है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, लेकिन वो कह रहा है कि दूरी बढ़ा दीजिए, तो दूरी बढ़ा दीजिएगा तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, तो बोल रहा है कि अगर दूरी इतना बढ़ाना पड़े तो कैपेसिटेंस कौन सा स्लैब डालें कि कैपेसिटेंस वही रहे। आप फील हुआ क्वेश्चन, हो सकता है मैं गलत पढ़ रहा हूँ पर एक बार तुम देखो यार मैंने कुछ। जो उसका पुराना डी, देखो टी तो उसका यही रहेगा, जितना मोटा स्लैब है वो टी है, जितना मोटा स्लैब है उस टी है। नहीं मैंने तो कॉन्सेप्ट से यही करा है। ए लक्षिता कैसे करा तुमने बताओ, डायलेक्टस आपने कैसे कर लिया। डायलेक्टस थे, वही मैं भी सोच रहा हूँ। हनी अपने बच्चों का आंसर आया है, डी से डी कट गया। हाँ कट गया भाई, हाँ अरे डी से डी कट, अरे डी से डी कट गया, हम लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बात है, अरे डी से डी कट गया, नहीं, डी से डी कट गया। हाँ, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। डी प्लस, अरे मतलब यार मूर्खों की सेना है क्या मेरे पास पूरी की पूरी। मतलब ये बोल रहे हैं, इन्हें इन्हें बोलना चाहिए सर आगे। अरे नहीं मैं सोचा कि यार नहीं ये तो पूरा कट गया। अरे नहीं कंफ्यूज, देखो अपने अपने उसमें कंफ्यूजन ही रखने का है, देखो क्वेश्चन बने या ना बने, अपने अपन लोग जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसमें कंफ्यूजन नहीं होने का है ना, उसमें कंफ्यूजन होने का मतलब है दिक्कत होना है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए अपने को। तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 4/k, तो k बराबर आ गया 8, आंसर सिंपल, बढ़िया बढ़िया। अरे नहीं हम लोग सही कर रहे थे, बस अगला अगला लाइन हमें पढ़ना था, हम झूठ मूठ में हम लोग पगला रहे थे यार। रुको रुको मैं एक शायरी सुनाता हूँ, इससे तुम लोग का दिमाग फ्रेश हो जाएगा, वैसे तुम लोग में से किसी को आता हो तो सुना सकते हो। हाँ तुम लोग में से अगर किसी को अच्छा शायरी आता हो तो सुना सकते हो। अरे हमें कौन सा बहुत बड़ा बड़ा शायरी आती है ना, अरे इसको इसको आता है, लक्षिता को आता है, लक्षिता को। देखो मैं एक शायरी सुनाता हूँ ठीक है, पुरानी है तुम्हें सुना भी होगा, मैं भी वही घिसा पीटा ही सुना रहा हूँ। देखो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता कुछ नहीं, डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अच्छा लगा, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो अगर मोटिवेट हुए तो थोड़ा सा और काम करते हैं ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल। अब देखो ये फोर्स बिटवीन पूछ लिया, अब फोर्स बिटवीन कैसे निकालोगे, बोलोगे सर जी कुछ नहीं होता है फोर्स बिटवीन, देखो मैं हूँ मुझे फार्मूला याद नहीं रहता है, पर मुझे ये याद रहता है डिराइव कैसे करना है, मैं इसकी वजह से इस पर फील्ड निकाल लेता हूँ है ना, इसकी वजह से इस पर फील्ड निकाल लेता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि इसके वजह एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई, मुझे बेसिक फार्मूला याद है, तो इसकी वजह से इस पे फील्ड होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इस पे चार्ज है क्यू, अब मुझे ये फार्मूला मिल गया, मैं डिराइव कर लिया, अब तुम्हें जैसे आता है तुम अपने हिसाब से करके मुझे बताओ है ना। फोर्स बिटवीन प्लेट्स, मैं फार्मूला डिराइव करके करता हूँ, तुम्हें जैसे मन करे वैसे करके बताओ। चलो पर मैं तुमसे यही सजेस्ट करूंगा, देखो तुम्हें फार्मूला डिराइव करना मेथड याद रहे या ना रहे, फॉर्मूला याद रहना चाहिए।
बताओ भाई, चंगू मंगू अच्छा, फोर्स का फार्मूला क्या पढ़े थे? क्यों पढ़े थे? ये पढ़े थे ना, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा पढ़े थे। अच्छा, कोई बात नहीं दोस्त। अब देखो, अब क्या हुआ ना, ए देखते हैं देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ना हम इस पे काम कर लेते हैं। हमें क्या दिया गया ना, देखो ना, तो कुछ नहीं दिया गया हमें, सिर्फ कैपेसिटर दिया गया है, कैपेसिटर दिया गया है, और क्या दिया गया, वोल्टेज दे दिया गया। तो पहले तो तुम वही निकालो, चार्ज निकालो, क्यू बराबर क्या होता है, सी बाई वी है ना, सॉरी क्यू बराबर सी इंटू वी, क्यू बराबर सी वी होता है, सी इंटू वी होता है, तो इसकी जगह रख दो सी इंटू वी, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कुछ, हाँ, एक सी को एक्सटेंड कर दो, सी इंटू वी स्क्वायर, सी को लिख दो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ क्या हुआ, फिर से करते हैं यार। फोर्स का फार्मूला क्या पढ़ा तुमने? फोर्स का फार्मूला पढ़ा सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को लिख दो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू को लिख दो सी वी, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए 2 एप्सिलॉन नॉट, ए सा सही, ए सही हो गया, एक सी को खोल दो, तो सी को लिखोगे एप्सिलॉन नॉट, सी को लिखोगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ए हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, और ए तो बचा ही है, तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया, ए हो गया हाफ सी वी स्क्वायर बाई डी, आंसर समझ रहे हो। तो ऐसे सवाल कई बार आ चुके हैं, ऐसे सवाल आए हुए हैं, तो अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फार्मूला याद है तो सारे सवाल लग जाएंगे। इस सवाल को करो, मनोरंजन करते हैं आराम से, ठीक है दोस्त, मनोरंजन करने मज़ा आ रहा है। कौन कौन क्लास में मज़े ले रहा है, मनोरंजन कर रहा है, देखा जाए थोड़ा उनका चेहरा। 1 2 3 4 5, 5 बच्चे मज़े ले रहे हैं। डायलेक्टस है, ओ नाइस है भाई, डायलेक्टस है, सी इज़ गुड गर्ल। सोचो अब आप कक्षा 12th में आई है, वो पहले कक्षा 11th में थी, और तुम्हारे, तुम लोग पास आउट हो फिर भी तुम लोग से अच्छे टेस्ट में उसके मार्क्स आते हैं, तो सी इज गुड ना। इसके उम्र में तो तुम ये सब सवाल देखे भी नहीं होगे। कई कई लोग तो पहली बार देख रहे होंगे यही कि अच्छा ये भी होता है कि नहीं। वही ना, तो अभी हम लोग के जनरेशन से हम लोग से थोड़ा फास्ट चल रही है ना, दैट्स नाइस, ये चीज़ अच्छी है। हाँ भाई ये सवाल कर लो यार, हो, टू रेशियो वन। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी मैं खाना नहीं बनाया हूँ ना, तो
तुम लोगों को पढ़ा के जाके बनाना रहेगा मुझे खाना। 8 बजे तो सो के उठा, 8 साढ़े 8 बजे जब तुम कॉल किए थे ना तो जस्ट सो के उठा था। उसके बाद प्रेजेंटेशन, अरे कोई नहीं, तुम लोग के पास टाइम कम है दोस्त, खाना तो मुझे जिंदगी भर है। गाइस थोड़ा सा मेरा सब्सक्राइबर बढ़ावा हो यार। रिजवान कहाँ है? हे रिजवान, भाग्य क्या है? जाएगा सर, हमारा नेट ही नहीं चल रहा है। अबे गधों, इसमें इतना सवाल कहाँ लगा रहे हो, इसमें इतना दिमाग कहाँ लगा रहे हो गधों? अरे तुम्हें मैं बताया था ना कि जो अगर कोई कापर या कोई मेटल डाल दिया जाता है तो सी डैस क्या होता है? डी अपान सी डैस क्या होता है? एफसाइलन नॉट ए अपान बची हुई दूरी, सिर्फ बची हुई दूरी, डी माइनस टी। तो ये दूरी बची कितनी होगी? बी क्या है? आधा है ना डी का, तो दूरी आधा हो गया, दूरी आ गया आधा हो गया तो कैपेसिटेंस दूना हो गया, तो पहला और बिफोर का रेशियो 2:1 होगा। तुम लोग इसी में दिमाग लगा रहे हो इतना यार, क्योंकि इसका तो इनफाइनाइट होता है ना। देखो अगर तुम टी बाई के भी लिखते ना तो के तो इनफाइनाइट है, तो टर्म वैसे भी जीरो था। तो यार पता नहीं तुम लोग आए इतना दिमाग लगा रहे हो, कौन है जो दिमाग लगा रहा था इतना ज़्यादा? आंसर देना चाहिए था तुम लोग को, मन नहीं कर रहा क्या पढ़ने का? हो नाइस। अब देखो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कल स्टार्ट करते हैं इसको, कल वहीं ख़त्म कर देंगे ठीक है, ग्रुपिंग वाला कि कर लें अभी, कर लें अभी, कर लें, कर लो। वाह ये लक्ष्य, अच्छा लक्ष्य था, अच्छा अचानक से इतना ज़्यादा मतलब क्लास के प्रति प्रेम काहे उमड़ रहा है तुम्हें? और किसी दिन तो तुम नज़र नहीं आती हो, आज इतना ज़्यादा प्रेम? नहीं मतलब फिर भी मतलब इससे पहले तो तुम क्लास में नज़र ही नहीं आती थी। ओ सेल्फ सेल्फ स्टडी, हाँ भाई सेल्फ फॉलो को मत समझा करो। पर हमसे हाँ मुझे भी यही लग रहा है, हो सकता है इसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो सोचा चलो चलो पढ़ लेते हैं। अरे नहीं यार, नहीं देखो यार सेल्फ स्टडी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जैसे जो अच्छा लगे तुम कर सकते हो, बस बशर्ते सिलेक्शन होना चाहिए, है कि नहीं गाइस? हाँ तो देखो मुझे, हाँ तो क्या मतलब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, अगर कोई बच्चा पहली बार भी कैपेसिटर पढ़ रहा हो ना तो भी वो आंसर दे सकता है, बस उसका थोड़ा दिमाग सही होना चाहिए। दिमाग से अगर ढीला नहीं है ना तो पहली बार भी पढ़ेगा तो भी आंसर दे लेगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर पहली बार कोई पढ़ के आंसर दे रहा है तो बहुत बड़ा वो कर रहा है, एवरेज बच्चा भी दे सकता है अगर उसने सही से पढ़ाया तो। अच्छा इसमें और सवाल कहाँ गए हैं? और भी सवाल थे, रुको मैं सवाल बता रहा हूँ ठीक है, तुम लोग जल्दी से कुछ सवाल कर लो। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का सवाल है। पहले जामिया भी अपना बीटेक में एडमिशन खुद कराता था ना, तो ये उस टाइम का सवाल है। अच्छा डायलेक्टस तुमने अपने एडमिट कार्ड क्यों नहीं भेजा? डायलेक्टस, अरे इन सब का एग्ज़ाम है ना, इन सब का फोटो वोटो निकालना है ना सेलेक्ट होने के बाद। तुमने कहीं से सेटिंग वेटिंग करी है क्या? सॉरी नहीं, अरे नहीं तुम, सॉरी तुम्हारा नहीं, इसका लक्षिता को कह रहा हूँ, लक्षिता का। हाँ भाई लक्षिता बताओ,
कहीं सेटिंग वेटिंग है क्या? ओके भेज देना। किसके साथ है, कितना पैसा दे रहे हैं वो लोग मुझे ही बताओ। अच्छा मतलब फ्री में कौन सेटिंग करके आता है यार, मतलब पढ़ा मैं रहा हूँ, सेटिंग किसी और से फ्री में कर लो कि लो मेरा निकाल देना आते। ये गलत बात है, दैट्स रॉन्ग। हाँ मैं तो निकालूंगा ही यार, मतलब क्या हाँ तुमने भेजा है, बहुत बढ़िया फोटो भेजा है, एकदम हीरो लग रहे हो, जबरदस्त फोटो वाली। नहीं बड़े, हाँ नहीं मेकअप करके सुंदर सुशील बन के फोटो भेजना, बता रहा हूँ, ऐसे ही नंगे पुंगे नहीं भेज देना फोटो, कि मतलब कोई सा भी कपड़ा पहन के इधर उधर शॉर्ट पहन के नहीं भेजना है, सुंदर सुशील बन के भेजना है। चलो इस सवाल को करो। अबे लगना चाहिए ना पढ़ाकू लड़के थे, भले पढ़ाकू ना हो, है ना, मतलब दूसरे बच्चों के पेरेंट्स देखे तो कहे हाँ बच्चे पढ़ाकू थे, है ना। अगर कहीं चश्मा मिल जाए गलती से तो वो भी लगा सकते हो, वो वाला पावर वाला, है ना, सलमान खान वाला मत लगा लेना। अच्छा ये सवाल करो, ये सवाल बी ऑप्शन, बहुत बहुत बढ़िया। तो परसेंटेज चेंज में भी मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को दिक्कत होता होगा, दे तुम खुद देख सकते हो, बहुत ही इजी सवाल आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, बहुत टफ सवाल नहीं होंगे, इजी ही होंगे, ठीक है। हेलो गाइस, नहीं लग रहा है क्या? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ना तुम लोग को ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है, समझ में आ रहा है। ड्रॉप वाले सवाल तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कभी कंफ्यूजन में डालेंगे, ठीक है, तो ड्रॉप वाले सवाल को भी तुम इजीली कर सकते हो। लगभग 80% तुम्हारा एक ख़त्म हो गया, बस 20% बचा हुआ, ठीक है। ये कहाँ गया, एक और क्वेश्चन था यार मैंने देखा रिमेन सेम द, ठीक है, इजी सवाल है सारा का सारा, लगभग सारे के सारे सवाल इजी हैं मेरे ख्याल से, अब कोई ऐसा सवाल नहीं है जो तुम लगा ना पाओ, और अगर जो लगा होगा वो ऐसा हो सकता है कि वो तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मैंने बता दिया था। तो एक क्वेश्चन नंबर 47 देखो, क्वेश्चन नंबर 47, एक दो सवाल देख लो, फिर हम लोग ना कल कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, फिर ये चैप्टर ख़त्म, ठीक है। आई थिंक यू आर इंजॉइंग माई सेशन, नाइस। तुम लोग पहले आए होते ना तो आईटी के लिए फिजिक्स तुम्हारी आराम से तैयार करा देता, एटलीस्ट जेई मेंस तो फोड़ ही देते, मजा आ जाता ना। ओ नहीं सच में भाई, मैं अगर अगर तो कोई मुझे वक्त देना तो मैं उसका फिजिक्स का जो होता है ना डर बिल्कुल दूर कर सकता हूँ। फोर्टी सेवन फिफ्टी फोर भी देख लेना लगे हाथ, 57, 54, 47, 54, पहले 57, 47 कर लो, फिर 54, उसके बाद बस एक ही टॉपिक बचा है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ लेंगे ना तो लगभग तुम्हारा ये चैप्टर ख़त्म।
उसके बाद हम लोग ईएमआई पे आएंगे, ईएमआई के बाद एसी, एसी के बाद तुम्हारा सब खत्म, 12th फिजिक्स खत्म। उसके बाद भी अगर 12th ई है, ई पहले 47 कर लो, दोनों का ही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये है, सही बात है। देखो यार, इफ द प्लेट ऑफ पैरेलल कैपेसिटर इज नॉट इक्वल इन एरिया देन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, बोलो भाई, द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नॉट इक्वल टू एरिया क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट विल बी सेम बट नेचर ऑफ चार्ज विल डिफर, ठीक बात है, ठीक है, हाँ, भले वो सेम वो होगा प्लेट पे सेम होगा पर नेचर ऑफ चार्ज विल बी डिफर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ तुम ध्यान में देना, हम कैपेसिटर में कौन से चार्ज, कौन से वाले एरिया और चार्ज को मेंशन करते हैं, कौन सा हमारे काम का होता है, जो अरे ये वाला बताया था ना कि जो दोनों वाला वो होता है, मतलब जो दोनों में कॉमन होता है एरिया, वही वाले हमारे काम का होता है, आई थिंक याद है। एक बात मैं नहीं बताया था क्या, समझ में आ रहा है? और 54 में क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ, अरे यार क्या हो गया इसको, आइसोलेटेड कैपेसिटर चार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन अनचेंज, जिसमें से कौन सा नहीं बदलेगा, स्लैब को डाला गया ना तो क्या नहीं बदलेगा, ये कौन सा केस होगा, बैटरी, ये कौन सा केस होगा, बैटरी लगा रहना है या बैटरी रिमूव कर दिया गया है, डिसकनेक्टेड का, अब डिसकनेक्टेड में चार्ज क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, अगर लेकिन सोचो अगर बैटरी लगा होता तब क्या होता, तब क्या चेंज नहीं होता, हाँ ठीक है, अरे भाई पोटेंशियल, पोटेंशियल पोटेंशियल और इंटेंसिटी चेंज नहीं होता दोनों, हाँ, तो ये बात अपने को ध्यान में रखना हो, तो होता है क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे जितने भी लगभग कैपेसिटर के क्वेश्चन आते हैं लगभग मैंने करा दिया है, और जो छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे कोई बात नहीं, वो तुम कुछ तो खुद से भी करना पड़ जाता है कभी कभी, पर लगभग सवाल हो चुके हैं ना, अब जो कल का सेशन होगा उसमें, हाँ बोलो, अच्छा टॉपिक फर्स्ट हो गया, टॉपिक फर्स्ट हो गया, मेजर पार्ट हो गया, माइनर पार्ट बचा है, माइनर पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ क्वेश्चन, मतलब तुम अब देखो यार, तुम्हारा तुम्हारा चॉइस है कि तुम लगाना चाहते हो कि रखना चाहते हो, लेकिन मैं तो क्लास मैं इस मैं क्लास में लगभग सफिशियंट, मतलब दबा के प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें दिख